जय मां मिंदवासिनी, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में दैनिक राशिफल के साथ साथ दैनिक पंचांग और मैं रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसके बारे में इसका प्रयोग एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के बारे में मैं जानकारी दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं आज का पंचांग 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार और आज का नक्षत्र उत्तराभाद पद नक्षत्र है और आज का राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर दिन में 1:30 तक राहु काल रहेगी। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य का शुरुआत नहीं करें। लंबी दूरी की यात्रा पर जाना हो तो यात्रा पर भी नहीं जाए। यदि जो काम पहले से चल रहा हो उस पर राहु काल लागू नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ मंत्र जाप पर भी राहु काल लागू नहीं होता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज मैं मेष राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मेष राशि वाले जातक, आज आपका धन खर्च होगा। धन जो है वह धर्म के नाम पर खर्च होगा। धर्म से संबंधित कार्य, पूजा पाठ, शादी विवाह इत्यादि पे आज का आपका लग रहा है धन का खर्च अवश्य होगा। आज आप विदेश यदि जाना चाहते हैं तो उसमें भी आज आपको सकारात्मक रिजल्ट आएगा और आप विदेश भी जा सकते हैं, ऐसा आपका गोचर कह रहा है। यदि कोई पहले से विघ्न बाधा आ रही होगी विदेश जाने में तो वह विघ्न बाधा आज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और यदि आज आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। काम धंधे, बिजनेस व्यापार, रोजगार, नौकरी सब आज अच्छा चलेगा। यदि किसी मेष राशि वाले जातक को नौकरी नहीं है तो आज उनको नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने दिन को और बेहतर और अच्छा करने के लिए आज आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम 108 बार अवश्य जाप करना चाहिए, इससे आपका दिन और भी अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको वृष राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक, आज बिल्कुल आप संभल के रहेंगे। आज का दिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आज धन का नुकसान होगा और आज आपका खर्च भी बढ़ेगा। आज यदि आप किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आज आपको अवश्य ही नुकसान होगी। पहले से जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है उसमें भी आज आपको नुकसान अवश्य ही दिखेगा। तो आज जो है आप किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस व्यापार रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और जो भी काम धंधे करते हैं बिजनेस करते हैं उसमें कस्टमर की संख्या आपका आज कम हो सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और अपने ग्राहक से आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आज का दिन आपको संयमपूर्वक बिताना चाहिए। अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन बेहतर हो सकता है। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपको बिल्कुल संभल के अपना काम करना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो सही से पहुँचे, वरना आज आपको बॉस का डांट सुनना पड़ सकता है। आज आपके पिताजी से भी अनबन हो सकती है और आप यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो बिल्कुल समय पर पहुँचे, वरना आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि आज आप पकड़े जा सकते हैं। बिजनेस व्यापार रोजगार की दृष्टि से भी आज आपका दिन अच्छा नहीं है। काम धंधे बढ़िया चलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए आप अपने काम पर फोकस करेंगे, अपने काम पर ही ध्यान देंगे, काम धंधा से मतलब रखेंगे और इधर उधर की कोई चीज़ पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा आज आपका गोचर कर रहा है। और चूंकि आज आपका दिन सही नहीं है तो आज आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो उसमें आज आपका नुकसान हो सकता है। पुराना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आज आप
बने रह सकते हैं। तो आज आप बिल्कुल अच्छा समय बिताएंगे और किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। अपने दिन को बेहतर करने के लिए आज आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था, तो रुद्राक्ष जो है वह एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है, एक मुखी से 21, लेकिन जनरली 1 से 14 मुखी की रुद्राक्ष आसानी से मिलता है और बाकी रुद्राक्ष भी मिलते हैं, लेकिन उसका दाम बहुत कॉस्टली होता है। ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा, यह रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी में अवश्य लागू होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वह साक्षात शिव का स्वरूप होता है, यह रुद्राक्ष बहुत ही रेयर होता है। यदि यह रुद्राक्ष मिल जाए तो मार्केट में इसका वैल्यू बहुत है, 5-10-20 लाख में भी एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिलता है। तो यदि मिल जाए तो आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें तरक्की आपकी असीम तरक्की होगी, उस क्षेत्र में सबसे लास्ट बिंदु तक का जो प्रोग्रेस है वह होगा, माने आप उस जिस क्षेत्र में है, जिस बिजनेस व्यवसाय में आपका 100% जो है आपका विकास होगा और का नाम यश मान सम्मान दौलत आपका बढ़ेगा। एक मुखी रुद्राक्ष का महिमा है, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही रेयर है, बहुत जल्दी नहीं मिलता है। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहा हूँ। दो मुखी का रुद्राक्ष जो है वह शिव पार्वती से संबंधित है, यह रुद्राक्ष भी आपको जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन यह रुद्राक्ष मार्केट में मिल जाता है। आप दो मुखी रुद्राक्ष गोल में हो, नेपाल का हो, पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास का हो, वही फायदा करता है। इंडोनेशिया बैंकों की यह सब फायदा बिल्कुल नहीं करता है। तो गोल चपटा रुद्राक्ष जो आ रही है वह कोई काम का नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। काजू दाना वाला या चपटा रुद्राक्ष बिल्कुल फायदा नहीं, तो गोल दाने में वही शिव पार्वती का है और यह बहुत फायदा करता है। तो यह रुद्राक्ष जो है लोगों को यूज करना चाहिए। शिव पार्वती का स्वरूप है, संयुक्त रूप से माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद मिलता है। और तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वह त्रिशक्ति का प्रतीक है, हनुमान जी से संबंधित है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वह बहुत ही फायदा करता है, त्रिदोष को भी मिटाता है। तो यह रुद्राक्ष गोल में होना चाहिए, रुद्राक्ष जो भी हो वह गोल में हो। चार मुखी जो रुद्राक्ष है यह आपको ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया गया है, जिनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता हो उनके लिए यह रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे को शिक्षा अच्छी होती है, शिक्षा में अपना दूर होता है, तो प्रत्येक बच्चे के गले में एक चार मुखी का रुद्राक्ष अवश्य हो। यह चार वेद का कारण बताया गया है, विद्युता बढ़ती है चार मुखी रुद्राक्ष का धारण करने से। अब मैं आपको कर्क राशि के जातक की बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आज आपका गोचर जो है वह बहुत ही अच्छा है। आज आपके भाग का पूरा साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। भाग आज उदय होगा, भाग के दम पर आज आपको सफलता मिलेगी। काम धंधे रोजगार व्यवसाय की स्थिति आज बहुत ही अच्छी है, तो आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आज आपको सफलता होगी। नौकरी व्यापार बिजनेस जो भी करते हैं उसमें आज आपको सफलता अवश्य मिलेगा। काम धंधे की स्थिति बिल्कुल अच्छी है, तो आज जिस क्षेत्र में उसमें सफलता मिलेगी। और यदि आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो कर्क राशि वाले जातक आज बेरोजगार होंगे उनको रोजगार भी अवश्य मिलेगा और काम धंधे की स्थिति बढ़िया होने के कारण आज आप बिल्कुल सफल होंगे। और आज आपको अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए ओम सोम नमः, ओम सोम स्वाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन बेहतर हो सकता है। तो अब मैं सिंह राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आपका आज स्वास्थ्य जो है वह बहुत बेहतर हो जाएगा। यदि स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ होगी वह स्वास्थ्य आपका बढ़िया हो जाएगा और स्वास्थ्य पर जो भी धन दौलत आज आपका खर्च हो रहा वह बचने लगेगा। परिवार के किसी सदस्य का यदि हेल्थ गड़बड़ हो और वह
हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो रहा होगा वह पैसा का बचत होगा और आज आपका धन का लाभ होते हुए दिख रहा है, तो कह सकते हैं आज आपका दिन बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि वाले जातक, आज आपको धन का भी लाभ हो सकता है। यदि आप आज इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो उसमें भी लाभ होगा, पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आज आपकी लाभ दिखाई दे रही है। और आज आप लंबी दूरी की यात्रा अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ जो वह आज आप मौज मस्ती एकदम करेंगे, ऐसा आज आपका गोचर कह रहा है। अपने दिन को और बेहतर और अच्छा करने के लिए आज आपको जो है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, इससे आपका दिन और भी बेहतर और भी अच्छा हो सकता है। अब मैं कन्या राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज बिल्कुल आप सावधान रहेंगे, बिजनेस व्यापार की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप का करना चाहते हैं या कर रहे हों तो आप सावधान रहें, वरना आज आपको पार्टनर से धोखा मिलने या ठगे जाने की संभावना दिख रही है। पति पत्नी के बीच में भी अनबन या नोकझोंक हो सकती है और प्रेमी प्रेमिका के बीच में आज आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। तो अपने रिलेशन को बचाने के लिए आज आपको संयम और धैर्यपूर्वक अपना बिहेव को रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का ईगो सामने में आज नहीं रहना चाहिए। आज का दिन बिजनेस व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, काम धंधे की स्थिति आज बिल्कुल मंदा रहेगा, काम बढ़िया नहीं चलेगा, उससे भी आपका मन आज बिल्कुल उदास रहेगा। तो आज आप बिल्कुल सावधान रहेंगे, इससे आपका दिन आज बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यदि आप चाहें इन्वेस्टमेंट करना तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसमें में आप एक्सपर्ट का सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में उतना नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। पुराना इन्वेस्टमेंट में आज आपको तटस्थ रहना चाहिए, न तो आना है और न जाना है और न आना है, माने बिल्कुल आज इन्वेस्टमेंट की स्थिति में थोड़ा सावधानीपूर्वक करेंगे तो आज आपका काम चल जाएगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको गाय को चरा हरा चरा देना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, इससे आपके सफलता में जो बिग माधा आ रही होगी वह दूर हो जाएगी। आपको रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था, तो चार मुख रुद्राक्ष तक के बारे में मैं आपको बताया। अब पांच मुख रुद्राक्ष जो है वह भगवान बृहस्पति से संबंधित है। नेपाली रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है, बृहस्पति ग्रह संबंधित है और बृहस्पति फिनांस कारक जगह है, तो बृहस्पति को खुश करने के लिए पांच मुख का रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं तो वह फायदा अवश्य करता है। लेकिन रुद्राक्ष जो है वह नेपाली होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित और शुद्ध होना चाहिए। छह मुखी का रुद्राक्ष जो है वह कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है और शुक्र ग्रह से भी संबंध रखता है। यदि किसी से लड़ाई झगड़ा हो या शारीरिक कोई दोष हो, शारीरिक कोई अक्षमता हो तो या अंदर की कोई समस्या हो तो आप छह मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष पहनने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है और किसी प्रकार का कोई यदि समस्या आती है तो उसमें विजय की प्राप्ति होती है। लेकिन रुद्राक्ष के बाबा कह रहा हूँ नेपाली और प्राण प्रतिष्ठित अवश्य होना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष जिनको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति करने में दिक्कतें आ रही हों उनको सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लक्ष्मी का कारक माना जाता है और शनि ग्रह से भी संबंधित है, तो सारे साथ ही शनि की महादशा अंतरदशा में या लक्ष्मी की जो समस्या हो रही है उसमें सात मुखी का रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ सात मुखी का रुद्राक्ष जो है वह प्राण प्रतिष्ठित शुद्ध और बिल्कुल नेपाली होना चाहिए। नेपाली रुद्राक्ष का मिलना मार्केट में बहुत ही रेयर है, जल्दी नहीं मिलती है, इसीलिए मैं नेपाली बार बार में कह रहा हूँ। आठ मुखी का रुद्राक्ष जो है वह आपको हर प्रकार के मानसिक परेशानी से बचाती है और केतु ग्रह से संबंध रखता है। आठ ग्रह का रुद्राक्ष रेयर है, वो जल्दी नहीं मिलता है, बहुत बढ़िया काम करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। तो आठ मुखी रुद्राक्ष को भी यदि कोई मानसिक परेशानी से, डिप्रेशन से, घबराहट बेचैनी से या कोई उल्टा पुल्टा विचार से, किसी भी प्रकार का डर से यदि पीड़ित है तो उसको आठ मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। नौ मुखी का रुद्राक्ष राहु ग्रह संबंधित है, राहु ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा में यह फायदा करता है, लेकिन नेपाली हो, शुद्ध हो, ओरिजिनल हो। आजकल पांच मुखी रुद्राक्ष को भी नौ मुखी बना दिया जाता है,
चूंकि इसका कॉस्ट अच्छा मिलता है, इसी कारण से छह मुखी को भी बना दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल सही जगह से जानकार आदमी से नेपाल रुद्राक्ष लेना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित अवश्य हो। उसके लिए पंडित जी को संपर्क आपको अवश्य करना पड़ेगा, अच्छे एस्ट्रोलॉजर सलाह लेकर आपको अवश्य धारण करना चाहिए, यह बहुत फायदा करता है। नवमुखी रुद्राक्ष जो है वह नव दुर्गा का प्रतीक होता है, किसी प्रकार का तंत्र बाधा वगैरह में भी यह फायदा करता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं तुला राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक आज आपको बिल्कुल सावधान होकर रहना चाहिए। आज आप पर शत्रु जो है घात लगाकर आक्रमण कर सकता है, रोग शत्रु का आज आप पे अटैक हो सकता है। यदि पुराना ऋण आप किसी से लिए हैं तो वह भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो आज आप बिल्कुल सावधान रहेंगे। किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं करेंगे, व्यापार रोजगार की दृष्टि से आज आपका दिन अच्छा नहीं है। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातक आज आपको संतान का सुख आज मिलेगा। संतान संबंधित जो भी समस्या होगी, उसके रोजगार नौकरी व्यापार पढ़ाई लिखाई वह सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठेकेदारी के क्षेत्र में आपका ठेकेदारी भी बढ़िया चलेगा। काम धंधे व्यापार की स्थिति आपका आज बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अपने दिन को और बेहतर अच्छा बनाने के लिए आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन बेहतर हो जाएगा। अब मैं धनु राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। धनु राशि वाले जातक आज आपको माता जी का सेहत अच्छा रहेगा, माता जी का पूरा सहयोग मिलेगा और प्रॉपर्टी के मामले में आज आप भाग्यशाली और लकी रहेंगे। प्रॉपर्टी का सुख आज आपको मिलते हुए दिख रहा है। माता जी के सहयोग से भी आज आपको प्रॉपर्टी हो सकता है मिल जाए और आप आज जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वह उसमें आज आपको लाभ होगा। नया पुराना सबका इन्वेस्टमेंट से लाभ दिखाई दे रही है। पहले से यदि आपके माता जी का यदि सेहत गड़बड़ होगा तो वह सेहत में अवश्य सुधार हो जाएगा और आज आपका दिन जो है आपका गोचर कर रहा है। आप कोई फोर व्हीलर गाड़ी खरीदने का ही प्लान बनाएंगे और उसमें सफल रहेंगे। और यदि आपके पास अपना घर नहीं है तो आज फ्लैट वगैरह देखेंगे और खरीदने का प्लान करेंगे, उसमें भी आज आपको सफलता अवश्य मिलते हुए दिख रही है। तो आज अपने दिन को और बेहतर और अच्छा करने के लिए आज आपको केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, इससे आपका दिन बेहतर हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था तो मैं आपको नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया हूँ। दसमुखी रुद्राक्ष है वह भगवान विष्णु से संबंधित रखता है। किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए दसमुखी रुद्राक्ष जरूरी रहता है। यदि किसी भी ग्रह का मार्केट चल रहा हो, नौ ग्रह में कोई भी ग्रह का मार्केट चल रहा हो, उसमें मार्केट में दसमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, इससे राहत होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सुरक्षा चक्र बना रहता है। ग्यारहमुखी रुद्राक्ष जो बिजनेस व्यापार करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, पब्लिक फील्ड से रिलेटेड हैं या बुध ग्रह खराब है तो ग्यारहमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित और ओरिजिनल होना चाहिए। अब मैं आपको बारहमुखी रुद्राक्ष कह रहा हूँ। जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा हूँ, जिनका सूर्य कुंडली में ग्रह खराब हो, उनको बारहमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप लाखों लाख खर्च करते हैं कंपटीशन में, लेकिन आप इस भी को भी आजमा के देखना चाहिए, आपको फायदा होगा और आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। पराक्रम को बढ़ाने के लिए बारहमुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है। तेरहमुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह से है। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री सुख लेना चाहते हो, आकर्षण करना सम्मोहन करना चाहते हो, उनको तेरहमुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। लेकिन तेरहमुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित होगा तभी फायदा करेगा, ओरिजिनल होगा, नेपाली होगा तभी फायदा करेगा। चौदहमुखी रुद्राक्ष जो है वह बहुत बढ़िया रुद्राक्ष होता है। यदि किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट का डिजीज हो, डॉक्टर कंसल्ट में वहाँ रहें, दवा खाएं, लेकिन आप इसको पहने आपका हार्ट को बिल्कुल ठीक कर देगा। महंगा आता है, भगवान शिव का साक्षात रूप है, तो इस रुद्राक्ष को अवश्य आपको धारण करना चाहिए, इससे आपकी हार्ट से रिलेटेड बीमारी अवश्य दूर हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन नेपाल का होगा तभी फायदा करेगा, ओरिजिनल होना चाहिए तभी फायदा करेगा। प्राण प्रतिष्ठित ओरिजिनल नेपाली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें तब मंगाएं ये आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कभी भी वो उसका वो धर्म होता है कभी गलत सामान नहीं देता है हमारे अनुसार से। अब मैं आपको मकर राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक आज आपका पराक्रम में वृद्धि होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आज आपको सावधान रखना चाहिए वरना आपका बनी बनाई इज्जत आज खराब हो सकता है। आज लड़ाई झगड़ा करेंगे
तो जेल कोर्ट मुकदमा भी जाने की संभावना हो रही है, दिन अच्छा नहीं है, तो आज इन्वेस्टमेंट भी नहीं करें और बिल्कुल सावधानीपूर्वक अपना समय बिताएं, वरना आज आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचने के लिए, आज आपको समस्या से बचने के लिए आज आपको हनुमान कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए। अब मैं कुंभ राशि वाले जातक करना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक, आज यदि आप बिजनेस व्यापार नौकरी करते हैं तो किसी को कोई उधार नहीं दें और ठंड से बचे, वरना आज आपका सेहत भी खराब हो सकता है, ठंड भी लग सकता है, गला से ऊपर इन्फेक्शन वगैरह इत्यादि भी हो सकती है। पुराना कोई यदि उधार धन है वो भी आज आपका डूब सकता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, काम धंधे बिजनेस व्यापार की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आज आपको सावधानीपूर्वक आज आपका समय बिताना चाहिए। आज अपने दिन को बेहतर करने के लिए आज आपको हनुमान चालीसा का 5 पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपको आने वाली समस्या से बचाव अवश्य होगा। अब मैं मीन राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले जातक, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आज आप बहुत रोमांटिक फील करेंगे और अपने काज में मन चढ़ा के लगा काम करेंगे, आज आप सफलता प्राप्त करेंगे, बिजनेस व्यापार नौकरी अच्छी चलेगी, आज आपको कहीं आप अपने दोस्त के साथ घूमने भी जाएंगे, अपने पुराने दोस्त से आज मुलाकात होगी जिसके साथ आज बहुत आप खुश रहेंगे, समय उसके साथ बिताएंगे और उसके साथ कहीं बाहर घूमने का ही प्लान बना सकते हैं। आज आप पति पत्नी हैं तो कहीं भी आप बाहर घूमने जाएंगे और प्रेमी प्रेम का हैं तो अवश्य एक दूसरे को टाइम देंगे। काम धंधे नौकरी व्यापार बिजनेस की स्थिति बिल्कुल अच्छी है, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी आज आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर करने के लिए आज आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और वो नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का अवश्य 108 बार जाप करना चाहिए। आप आयुष्मान न्यूज़ देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। जय मां विंध्यवासिनी। धन्यवाद।